मेरा शुभ नाम अरुण शर्मा है और जी अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, अभी बाकी सब अपने अपना वर्क शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि कैसा काम कर रहे हैं। तो ये तो आफ्टर 3 डेज ही पता लगेगा कि कौन कैसा काम करेगा। तो वो निकल गई मेरा बेसिकली तो मेरा थीम है बसोली पेंटिंग, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की प्रोमिनेंट पेंटिंग है जिसका इतिहास कम से कम 800-900 साल पुराना है, उसी को मैं कैनवस पे ला रहा हूँ। सुकन्या ये तो पूरी पेंटिंग कॉम्पिटिशन ही कह सकते हैं उसको, आइकॉनिक हो रहा है। क्या कुछ कितने आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसा लग रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ 15-20 आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो बहुत ही मतलब जाने माने और लीडिंग आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं पेंटिंग करना मेरी हॉबी है और मैं इसको बहुत आगे लेकर जाना चाहती हूँ। तो ये एक नेशनल कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया है टूरिज्म फेडरेशन ने, एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह के इवेंट्स जब होते रहते हैं तो लाइक पेंटिंग लवर्स या फिर जिनका भी हॉबीज होते हैं, उनको कितना एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करने को मिलता है। जो अगर हम घर पे सोलो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें किसी से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आर्टिस्ट को आगे आने के लिए और हर एक फील्ड में लोगों को आगे आने के लिए, तो उसी के तहत हमने एक आर्ट फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया है। इसमें 15 से 20 बडिंग आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग अपनी सारी प्रतिमा का यहाँ पे पूरा वो दिखा रहे हैं और उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे 2 दिन में तैयार होकर लगेंगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग यहाँ पे आएँ, उनको देखें और सराहना करें। सर, किस तरह का कार्यक्रम है आज ये और खासतौर पर युवाओं में जो प्रतिभा है उनको दिखाने का मौका मिलता है इस तरह के प्रोग्राम से, तो कैसा योगदान युवाओं का है और आप लोग किस तरह से? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम हमने बड़े शॉर्ट नोटिस में किया है और उसका जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने देखा खुद यहाँ पे, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा रहा, पहली बात। दूसरा ये है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन खाली प्रोग्राम इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ये एक मौके पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मौका यहाँ पे आइकॉनिक वीक फेस्टिवल जम्मू में इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये हमारे जो देश की 75th इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस के सिलसिले में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए इन सेलिब्रेशंस के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर से ये एक पहला इनिशिएटिव आया टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू की तरफ से कि हम एक शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ कि हम अपने जो बच्चे हैं यहाँ के जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ वो अपनी कला का मुजाहरा कर सकें। और ये जो अपनी वो पेंटिंग्स तैयार करेंगे ये 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी जो कंक्लूज़न होना है वो 29 तारीख को है। तो यहाँ पे जो अपनी पेंटिंग्स ये लोग बनाएंगे तो उन पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन इसमें जो बेस्ट आर्टिस्ट होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, उनको ऑनर भी किया जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देख करके जो नई जनरेशन के लोग हैं जब उनको इस तरह का लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो वो बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, तो हम उनको एक मौका जो है वो फराहम करेंगे।